हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीता की दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुल मी अप डॉल केक या सिंड्रेला केक। इसको बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली गर्ल तो बहुत पसंद करते हैं इसको। बहुत सुंदर भी दिख रहा है, देखिए आप घर पे बनाइए, बहुत अच्छे से इजी से बन जाएगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा बना, आपको कैसा अच्छा लगा। जितना सुंदर दिख रहा है उससे भी अच्छा टेस्ट में है ये। मैंने पूरा ग्लिटर ये सब मैंने घर पे ही बनाया, बताऊंगी आगे आगे सब कुछ आपको बताती हूँ। पहले कैसे बनाया, पहले गैस पे एक पतीला चढ़ा दिया, उसको ढक के एक 15 मिनट तक गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद विनेगर ले लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, उसके बाद कॉर्नफ्लोर ले लिया है 2 टेबल स्पून, और मिल्क पाउडर ले लिया है 2 टेबल स्पून, और मैदा ले लिया है 1 टेबल स्पून, और शुगर पाउडर ले लिया है मैंने 1/2 कप, और कॉर्न ले लिया है 1/4 कप। ऑयल 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे, और मिल्क को 1 बड़ा कप ले लिया है मैंने मिल्क का। उसके बाद हम इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को छोड़ के इनो का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं मोल्ड भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, घर में जो बर्तन है उससे बनाऊँगी। देखिए आप मेरे सेब को देखिए, देखिए इसका जैसे आपके घर में जैसे भी अवेलेबल रहता है, देखिए इस तरह रहता है हमारा डॉल केक या बार्बी केक, यही सेब का आता है। इसके वजह से मैंने इसको इस डॉल केक के लिए लिया है। इसमें भी हम बना सकते हैं, घर पे हमारे अवेलेबल जो रहते हैं बर्तन उससे ही बना सकते हैं, जैसे कि हमको मोल्ड खरीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए आप चाहें तो इसको छोड़ के मोल्ड पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं बेकिंग पेपर को कट करके चारों तरफ ऑयल लगा रही हूँ, चारों तरफ ऑयल लगाने की चल रही है मेरी कोशिश। हमारा लग गया है ऑयल चारों तरफ, इसको हम अभी साइड में रख देंगे। अभी केक का पाउडर कैसे बना रही हूँ देखिए, पहले तो हमने बैटर बनाना है। कॉर्न ले लिया है, उसके बाद 2 टेबल स्पून ऑयल, उसके बाद शुगर पाउडर, इसको अच्छे से मिलाएंगे। मैंने बहुत बड़ा केक नहीं बनाया, आप चाहें तो बड़ा केक बना सकते हैं, इसके वजह से मैंने क्वांटिटी का कम कर दिया है। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अच्छे से मिलाएंगे, हमारा ये तीनों चीज़ है ना, इसको अच्छे से मिलाएंगे, बहुत अच्छे से मिलाएंगे इसको। उसके बाद वनीला एसेंस भी थोड़ा सा डालेंगे, वो दिखाना मैंने भूल गई थी, इसके लिए अभी दिखा रही हूँ। उसके बाद देखिए मैंने एक छन्नी ले लिया है, 1 कप मैदा, और 1/2 कप 2 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर, ये सारे को अच्छे से छान लेंगे। केक में छानना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी लम्स हुए तो वो केक हमारा अच्छा नहीं बनता, इसके वजह से छानना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसके वजह से देखिए मैं कैसे छान रही हूँ, थोड़ा थोड़ा तो कचड़ा आ ही जाता है, इसके वजह से छानना बहुत ज़रूरी है। देखिए थोड़ा सा तो दिख रहा है, देखिए। उसके बाद ये हमारा रेडी हो गया, अभी एक एक करके सारे चीज़ डाल देंगे, विनेगर डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें वनीला एसेंस रहता है उसको भी थोड़ा डाल देंगे, 1 टेबल स्पून डालेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये छोटा केक है। उसके बाद मिल्क जितना ज़रूरी है उतना ही डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं करेंगे, थोड़ा थिक बैटर चाहिए हमको, ज़्यादा पानी नहीं करेंगे, इसके वजह से थोड़ा कम ही डालेंगे। बाद हम इस बैटर को अच्छे से मिलाते जाएंगे। देखिए मैं कैसे मिला रही हूँ, एक भी लम्स हमको नहीं चाहिए, इसके वजह से हम इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे।
थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ये, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा एक भी लम्स रह गया ना वो केक हमारा अच्छा नहीं बनेगा। रेडी हो गया है हमारा बैटर, इसमें इनो एक टेबलस्पून डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ऊपर ऊपर निकल जाएगा इसके वजह से थोड़ा ही डालेंगे। उसके बाद जल्दी से हमको मिला देना है और मोल्ड में डाल देना है, हमने जो बाउल लिया है उसमें डाल देना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम रखेंगे तो ऊपर ऊपर आ जाएगा। इसके वजह से देखिए मिला दिया है मैंने, उसके बाद हम अभी डाल देंगे। देखिए मैं डाल रही हूँ कैसे, ऐसे ही डालना है, उसके बाद डालने के बाद टैप करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा अच्छे से नहीं बनेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाएगा। उसके बाद हम जो छोटा बाउल लिए थे उसमें भी डाल देंगे। ज़्यादा बड़ा केक नहीं बना रही हूँ मैं, छोटा सा बना रही हूँ, इसके वजह से थोड़ा ही ले रही हूँ सारे चीज़ों को। देखिए उसके बाद हमने जो रखा था गरम करके गैस पे, हम वो पतीला पे एक चढ़ा देंगे, चढ़ा दिया है मैंने, और एक पतीला नहीं चढ़ाया मैंने, और एक प्रेशर कुकर रख दिया है, उसमें जो वासर और जो रहता है उसको निकाल के उसके ऊपर भी रख दिया है मैंने। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनने में टाइम बहुत लगेगा, इसके वजह से मैंने निकाल दिया फिर से, और हम प्रेशर पे और एक प्रेशर चढ़ाया उस पर बना देंगे। देखिए विसिल निकाल देंगे और वासर भी निकाल देंगे, उसके बाद ऐसे ही लगाएंगे। देखिए मैं जैसे लगा रही हूँ वैसे ही लगाना है। लगाने के बाद हम जो लिए थे उसको छोड़ दिया है, देखिए मैंने जो मोल्ड में बनाया था, जो बाउल पे रखा था वो रख दिया है मैंने। उसके बाद देखिए बहुत झटपट बन जाएगा ये, एक 30 मिनट तक हमको छोड़ देना है। 30 मिनट के बाद हमारा प्रेशर वाला तो बन गया है, लेकिन हमारा जो बाउल पे जो पतीला पे हमने चढ़ाया वो नहीं बना हमारा। मैंने सोचा अभी बहुत टाइम लग रहा है करके, हमने फिर से जो बाउल हमने पतीला पे चढ़ाया था उसको भी प्रेशर कुकर में चढ़ा के कर दिया है। हमारा रेडी हो गया दोनों की दोनों, दोनों मोल्ड में, मोल्ड है ना उसमें जो बाउल पे रखा था वो रेडी हो गया है हमारा। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे बन गया कि नहीं। देखिए रेडी हो गया हमारा, धीरे धीरे निकालेंगे, ठंडा होने के बाद निकालना ज़रूरी है, गरम गरम नहीं निकाल सकते, गरम गरम निकाले तो अच्छे से नहीं निकलेगा, इसके वजह से ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, ठंडा होने के बाद हम निकाल सकते हैं। देखिए ठंडा हो गया है हमारा, देखिए जो बटर पेपर लगाया था उसको धीरे 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 निकाल देंगे। निकल रहा है हमारा, देखिए ऐसे निकालना है, निकल गया है हमारा, और एक जो केक है उसको भी निकाल देंगे धीरे धीरे। निकालने के बाद उल्टा करने के बाद हम धीरे धीरे बैटर पेपर जो है उसको भी निकाल देंगे। हम व्हिप क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको एक कप ले रहे हम व्हिप क्रीम, इसको अच्छे से फेंट के हम क्रीम बना देंगे। देखिए एक कप ले रही हूँ मैं, मेजरमेंट के हिसाब से ये एक कप ले लिया है मैंने। उसके बाद हम ब्लेंडर में बीटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर दिया है मैंने बीटिंग प्रोसेस को, देखिए अच्छे से बीटिंग कर देना है। देखिए थोड़ा थोड़ा तो बनने लगा है, फिर भी हमारा 5 to 8 मिनट लगता है बीटिंग करने के लिए। देखिए देखिए रेडी हो गया हमारा,
क्रीम देखिए उल्टा करके देखना है, सबसे अच्छा प्रोसेस यही है। उल्टा गिरेगा तो अपनी जगह कैसे नहीं हिल रहा है, तो रेडी हो गया है हमारा क्रीम। उसके बाद हम अभी काटने लगे हैं हमारी नॉर्मल छोटा वाला जो मोल्ड पे बनाया था केक को, उसको कट कर दिया है मैंने। धीरे धीरे कट करना है, ब्रेड नाइफ है तो आपके पास उसमें भी कट कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था, मैं घर का नाइफ ही इस्तेमाल कर रही हूँ, उस पर ही कट कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट बना है हमारा केक, बहुत अच्छा टेस्टी बना है। देखिए कट करने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए उसके बाद देखिए ये शुगर सिरप भी बना दिया है मैंने, उसको मिलाने के लिए छोड़ दिया है शुगर को। उसके बाद हम देखिए अभी हम क्रीम डाल रहे हैं इस पाइपिंग बैग में। कोई भी नोजल दे सकते हैं इसमें, कोई ऐसे सेपरेट नोजल नहीं है। जैसा आप डिजाइन चाहे, डिजाइन तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा वाला, इसके वजह से कोई भी नोजल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके बाद हम पूरा भर दिए पाइपिंग बैग में। अभी इसको अभी हमारा रेडी हो गया पाइपिंग बैग हमारा केक क्रीम बनाने के लिए। देखिए रेडी हो गया है। हम अभी क्या करेंगे, एक थोड़ा सा क्रीम लगा के उसके ऊपर जो केक बनाया था एक एक करके रखेंगे, थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप डाल के एक एक लेयर पे थोड़ा थोड़ा क्रीम डालेंगे और शुगर सिरप डाल के उसको। देखिए शुगर सिरप पहले डाल रही हूँ, उसके बाद क्रीम डालेंगे। क्रीम डालने के बाद हम फिर से और एक लेयर डाल रहे हैं। देखिए ऐसे डालते जाना है, मैंने थोड़ा स्पीड ही बता दिया जिसके वजह से लंबा हो गया वीडियो करके, मैंने थोड़ा थोड़ा स्पीड ही बता दिया। देखिए ऐसे ही बनाना है। उसके बाद ऊपर लगाने के लिए हमने क्रीम ऊपर ही लगा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है हमारा क्रीम, चारों तरफ अच्छे से लगाना है, चारों तरफ लगाना है। देखिए बहुत अच्छे से लगाना है। उसके बाद एक शेप दे देना है, एक शेप देते जाएंगे। देखिए एक शेप देने के बाद थोड़ा थोड़ा क्रीम हमारा बच ही गया। देखिए रेडी हो गया है हमारा ऊपर वाला केक। अभी हम देखिए थोड़ा थोड़ा डिजाइन बना रहे हैं, छोटा सा कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, ऐसा नहीं है अच्छा वाला डिजाइन चाहिए इसको, कोई भी डिजाइन चलेगा ऐसा नहीं है। नीचे वाला फ्रॉक का नीचे वाला कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। उसके बाद मैंने कवर लिया है उसको डॉल केक को, पुल मी अप केक को फिट करने के लिए कवर लिया है, उसको अच्छे से टेप लगा के सेट कर देना है। कवर बोलेंगे तो मार्केट में मिल जाएगा आपको, वो हम लगा रहे हैं। देखिए लगाने के बाद सेट कर दिया है मैंने। उसके बाद मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगी, केक हमने जो चॉकलेट था उसको, देखिए चॉकलेट लिया है मैंने वाइट चॉकलेट, उसके बाद उसको एक पतीला पे गर्म पानी किया है, उसमें एक बाउल रख के उसमें चॉकलेट डाल के उसको पूरा मेल्ट करी हूँ। देखिए ज़्यादा पतला नहीं करना है हमको, इसके वजह से मोटा मोटा ही करना है। ज़्यादा पतला करेंगे तो हमारा जो डॉल केक है वो बह जाएगा, इसके वजह से पतला करना है। इसके वजह से मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है इसमें, जब तक हमारा चॉकलेट ना मेल्ट हो जाए तब तक हमको चलाते रहना है। उसके बाद हम थोड़ा सा लिक्विड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा वाला लिक्विड कलर है ये, कोई भी सस्ता वाला लिक्विड कलर मत यूज़ करिए, अच्छा वाला लिक्विड कलर है ये। उसके बाद अच्छे से बना दिया है मैंने, रेडी हो गया है हमारा। अभी हम इसको डाल रहे, देखिए जो रखा था मैंने
जो प्रोसेस रखा था केक का, अभी जो पुलमी केक का जो बनाया था मैंने, कवर लगाया था, उसमें डालना है हमको। देखिए मैं डाल रही हूँ कैसे, ऐसे डालना है हमको। आप चाहें तो पहले बर्बी को फिट करके साइड में धीरे धीरे डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यही आसान था, यही अच्छे से लगा हुआ था। ये पहले चॉकलेट का सिरप जो है चारों तरफ लगा रही हूँ, उसके बाद ही डॉल को या सिंड्रेला को हम फिट करेंगे इसमें। उसके बाद और एक चीज़ मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने ग्लिटर घर पे ही बनाया है। देखिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, पैन पे चढ़ा दिया है, उसमें बड़ा बड़ा 2 कप हमने पानी का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से चलाते रहना है 2 कप, देखिए उसके बाद चलाते रहना है, बहुत अच्छे से चलाना है। उसके बाद ऐसा दिखता है हमारा जो ग्लिटर बनने वाला है अभी, वो देखिए। हमको ना ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, एकदम मीडियम चाहिए। देखिए जाली चाहिए, ऐसे जाली बन रहा है ना, ऐसे जाली चाहिए डिटो, ऐसे जाली चाहिए। जाली बन गया तो आप समझ जाइए हमारा रेडी हो गया। अभी हम फूड कलर लिक्विड का इसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा। आपको जो भी कलर बनाना है आप वो कलर डाल सकते हैं। देखिए मुझे रेड बनाना था, इसके वजह से मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया है इसमें। आप चाहें तो ब्लू, पिंक, येलो, कोई भी कौन सा भी आपको चाहिए वैसा आप बना सकते हैं। ये मार्केट में ख़रीदने जाओ तो एक 200 ऐसा हमको पड़ता है। मैंने घर पे 5 रुपये भी मेरे नहीं खर्चा हुआ, घर पे बनाया है मैंने। देखिए रेडी हो गया हमारा। इसको अभी हम एक घर का कवर ही है मेरा, मैंने धो के अच्छे से रखा है। देखिए घर का ही कवर है, ऐसा नहीं है मैंने बाहर के लेके आई हूँ करके। देखिए धीरे धीरे पहलाते जाना है, पहलाना है उसको, चारों तरफ लगाना है। ज़्यादा मोटा करके नहीं लगाना है, ज़्यादा मोटा करके लगाएंगे तो हमारा जो सूखने में बहुत मुश्किल होगा, बहुत टाइम लेगा, इसके वजह से पतला करके लगाना है। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, नहीं तो एकदम अच्छा नहीं बनेगा। ये करने के बाद, चारों तरफ लगाने के बाद मैंने एक 12 आवर छोड़ दिया है इसको। 12 आवर के बाद ऐसा दिखता है हमारा। देखिए रेडी हो गया है हमारा, मैंने निकाल दिया है इसको। देखिए निकालने के बाद हम इसको टुकड़ा कर देंगे, थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे। तभी हम मिक्सी में पीस पाएंगे, इसके वजह से टुकड़ा करना बहुत ज़रूरी है। टुकड़ा कर रही हूँ मैं। करने के बाद हम अभी मिक्सी में डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे। बहुत अच्छे से पीसना है इसको, क्योंकि हमारा ग्लिटर बहुत सुंदर चीज़ है ये। और एक बात मैं बार बार बोलना चाहती हूँ आपको, प्लीज़ आप जो बाज़ार में मिलता है वो ग्लिटर वो खाने वाला नहीं है, वो मत यूज़ करिए। ये मैंने घर पे बनाया है, इसके वजह से ही मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है। मिक्सी करने के बाद ऐसा दिखता है हमारा ग्लिटर, क्योंकि बाहर का वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो खाने का बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हमारा रेडी हो गया ग्लिटर, कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए एक बाउल पे मैंने डाल दिया है, बहुत सुंदर दिख रहा है। देखिए प्लीज़ आप बाहर का जो हम फैंसी शॉप में मिलता है उसका इस्तेमाल मत करिए, खाने का है। देखिए अभी हमारा टाइम आ गया पुलमी केक में ग्लिटर डालने का। चारों तरफ मैं ग्लिटर डाल रही हूँ।
उसके बाद चारों तरफ लगा डाल दिया है मैंने जो ग्लिटर बनाया था। उसके बाद हम अभी देखिए जो सिंड्रेला वाला एक फोटो ले लिया है मैंने, उसमें पीछे से एक मोटा वाला पेपर चिपका दिया है इसमें। उसके बाद टूथपिक पे इसको सेट कर दिया है। उसके बाद लगा दिया है मैंने केक पे जो सिंड्रेला था उसको लगा दिया है। उसके बाद मैंने शुगर बाउल को भी धीरे धीरे डाल रही हूँ। आपके पास शुगर बाउल नहीं है तो बॉल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैंने सुंदर दिखेगा करके डाली हूँ मैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर बहुत सुंदर दिख रहा है हमारा सिंड्रेला। आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप गूगल से डाउनलोड करके पेपर लेके आके एक छोटा सा पेपर पे चिपका सकते हैं। मैंने कट करके अच्छे से चिपका दिया है कम से। उसके बाद देखिए हमारा रेडी हो गया पुल मी अप सिंड्रेला केक। अभी मैं पुल कर रही हूँ, देखिए 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 पुल मी, बहुत सुंदर दिख रहा है। देखिए आप घर में आप बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको, बहुत सुंदर दिख रहा है हमारा पुल मी अप। हमने थोड़ा मोटा ही बना दिया चॉकलेट सिरप को, आप चाहें तो थोड़ा पतला कर सकते हैं, क्योंकि मोटा बनाया वो पतला हुए तो चारों तरफ फैल जाएगा, इसके वजह से मैंने थोड़ा सा मोटा लिया है। आप चाहें तो पतला भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। रेडी हो गया हमारा पुल मी अप सिंड्रेला केक, डॉल केक, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। आप चाहे तो मोल्ड लेके अच्छे से बना सकते हैं, इसको कट करके भी बताऊंगी आपको। देखिए कितने अच्छे से कट हो रहा है, घर का नाइफ पे ही मट कट कर रही हूँ। बहुत अच्छे से बना है, बहुत सॉफ्ट बना है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, टेस्ट भी बहुत टेस्टी है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए आप भी घर पे ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसा लगा आपको मेरा सिंड्रेला केक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही देख